दो दिनों में बड़ी तेजी से ये डॉलर गिरा है, क्या ये कहीं यहाँ पे आके मुस्तहकम हो गया है या ये मजीद डिवेल्यूएशन होगी? क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो अब एलसीज खुल रही हैं वो 245 रुपए पे खुल रही हैं, यानी कि डॉलर मजीद आने वाले चंद दिनों में डिवेल्यू करेगा, रुपया डिवेल्यू करेगा। देखें जी, बात ये है कि इस वक्त जो है स्टेट बैंक पैसे नहीं दे रहा, डॉलर नहीं डाल रहा मार्केट में। वो बैंक्स को कह रहा है यार तुम जाके एक्सपोर्टर से पैसे लो और इंपोर्टर को दो, तो वो तो फिर एक सट्टाबाजी हो रही है ना। जो एक्सपोर्टर जिस प्राइस पे बेचने की कोशिश करेगा उतने पे वो ख़रीदेंगे। तो इस वक्त वैसे तो ऑफिशियली जो है 225 के ऊपर आज डॉलर क्लोज हुआ है, 224.95 पे। लेकिन जो असल में रेट है वो 227 से लेकर जिस तरह आपने कहा 242 तक चला गया है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस वक्त तक स्टेट बैंक इसमें रोल प्ले नहीं करेगा या डॉलर्स को मार्केट में नहीं डालेगा तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और स्टेट बैंक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा कि आके बैंक्स को साथ बैठाएँ और कहें भाई आपको हमारी क्या ज़रूरत है, और फिर देखें कि इसमें फ्लोज जो आ रही हैं, मतलब आउटफ्लोज हो रही हैं, वो उसकी क्या मतलब वॉल्यूम्स क्या हैं और उसको किस तरीके से ये सपोर्ट कर सकते हैं। ना जाहिर है इसके बीच में इस वक्त अभी तो जब से ये आए हैं तो सवाए ये कि 2.3 बिलियन डॉलर जो चाइना ने रोल ओवर करना था वो हुआ है, बाकी तो आउटफ्लोज ही हैं ना। तो अब इनके पास ये जाहिर है इनका अपना IMF प्रोग्राम भी हो गया है, और इनके हाल में 10.4 बिलियन के इनके दोस्तों ने भी इनको कमिटमेंट्स दिए हैं, तो वो जो पैसे आ जाएंगे तो ये स्टेबिलिटी तो आ जानी चाहिए। लेकिन जब तक वो पैसे नहीं आएंगे तो जो मार्केट में तो पैसे नहीं होंगे स्टेट बैंक में। मतलब शोक साहब ये बताइएगा कि ये तो सब कुछ नज़र आ रहा है, 100 दिन हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को और अभी तक जो स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं है। आज एक खबर जो पढ़ने को मिली है कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेम्बरान हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं जुम्मे को, तो वजह क्या बन रही है? गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक जिसने ये सारा कुछ कंट्रोल करना है उसको हेडलेस चिकन की तरह छोड़ा हुआ है इन्होंने? देखिए बात यह है कि किसी चीज़ को भी तो आप देख लें सलीके से नहीं कर रहे। पहले तो आते ही इन्होंने जो अच्छी वाली इकानमी थी जो इन्होंने खुद ही अपने इकोनॉमिक सर्वे में कही कि अच्छी थी इकानमी, ठीक थी, तो उसको क्या किया इन्होंने? आते ही कहा कि जनाब फिजिकल डेफिसिट तो 10% पे है, 4,600 बिलियन पे होगा, हालांकि उस वक्त तक 9 महीने के सिर्फ 2,560 जो है बिलियन पे था, तो उसको इन्होंने 6,400 कर दिया। लोगों ने कहा वो हो, अगर इतना बड़ा फिजिकल डेफिसिट होगा अगले 3 महीनों में, अगर तकरीबन 4,000 अगर मतलब 3,900 बिलियन अगर इन्होंने छापना है हुकूमत ने, तो उन्होंने एकदम जो है एक तो स्टॉक मार्केट गिरी, एक तो और बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, कैबर बढ़ा दिया। फिर इन्होंने कहा ओहो ये तो बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा, 22 अरब डॉलर का हो जाएगा, और वो इसलिए कि इनका अपना 19 का हुआ था तो इन्होंने कहा कि उसे बढ़ चढ़ के बता दें। अब ये नहीं समझते कि मार्केट्स इन सिग्नल्स को बड़े सीरियसली देखती हैं। जब ये 22 बिलियन की बात की उस वक्त तो पूरे 9 महीने का 13.2 हुआ था, उन्होंने कहा ओहो ये तो अब कोई तकरीबन 9 बिलियन के करीब और अगर डेफिसिट हुआ 3 महीनों में तो एकदम रुपया गिरना शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये रुपया तो मतलब ये कि डॉलर तो उसकी डिमांड होगी, तो ये तो कुछ सलीका ना हुआ ना यार। आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रहे हैं तो कुछ थोड़ी मेच्योरिटी और थोड़ी सीरियसनेस होनी चाहिए। तो यही चीज़ अभी इधर भी है कि इतना बड़ा इदारा आपके पास है स्टेट बैंक, ना उसका गवर्नर आपने लगाया है ना उनके डायरेक्टर्स, मैं तो अप्रूव करके आ गया था, वो तो पड़े थे इनके पास मतलब इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो आप उसी को अप्रूव कर लेते या उसको मैं चेंज कर देते। तो ये इनकी जो सीरियसनेस नहीं है तो वो मैं मेरे ख्याल साहब आपके नज़दीक ये वजह क्या है? वजह क्या है कि ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना कि भाई एक इदारा है जिसने सारी चीज को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, उसका एक सरबराह होना चाहिए। आप पिछले वाले को नहीं कंटिन्यू कराना चाहते, फेयर इनफ, आपकी कॉल है, आप नया बंदा अपॉइंट कर दें। ये इतने बड़े गैप की टेक्निकली क्या वजह है? क्या ये कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है उसका इंतजार किया जा रहा है, या कि डिसीजन मिफ्ता साहब का अपना नहीं है? क्या ये नवाज शरीफ साहब ने डिसीजन लेना है, ये किसने डिसीजन लिया, या फिर डार साहब का इंतजार किया जा रहा है? नहीं, ये टू मेनी कुक्स,
देखिए जी, सीधी सीधी बात है, ये मिफ्ता को इसका ये तो सीधी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो रिकमेंड करती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है और कैबिनेट उसको अप्रूव करती है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये स्टेट बैंक का जो है गवर्नर, इसकी ये तैनाती इस तरह होती है। अब जब मिफ्ता के पास पावर्स ही नहीं है, वो जब जो भी रिकमेंडेशन देता है उसको उसको फिर सेकंड गैस करना है। पहले तो इत्तेहादी भी हैं, वो भी देखेंगे, स्पेशली पीपल्स पार्टी भी देखेगी। फिर उसके बाद डार साहब फाइनल से अगर हैं तो उसके बाद तो फिर इसका मतलब है देर आर टू मैनी कुक्स ना, और वही इसी में ये सारी जो है ये गड़बड़ हुई है कि ये आपस में ही एक दूसरे का पिंग पोंग खेलते रहे। अच्छा, ये दो जी, ये दो तीन नई रिपोर्ट्स आपकी नजर से तो गुजरी होंगी तरीन साहब। एक तो ये फिच रेटिंग आई है, इसमें पाकिस्तान के जो आउटलुक को नेगेटिव कर दिया गया, आपने जरूर देखी होगी। मूडीज की तरफ से जो रेटिंग एक्शन है उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है कि आउटलुक को नेगेटिव कर दिया गया स्टेबल से। इसके अलावा ये आर्टिकल आपने देखा होगा पिछले हफ्ते, जिसमें जो मुल्क जिनको डिफॉल्ट का रिस्क है उसमें पाकिस्तान नंबर 4 पे है 2022 में। सो इसके बावजूद आप समझते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ये संभाले जा सकेंगे? मिफ्ता साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि एटलीस्ट डिफॉल्ट नहीं करेगा मुल्क, तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं इससे हम सेफली कह सकते हैं कि एटलीस्ट डिफॉल्ट के रिस्क से हम बच गए हैं इस वक्त इमीडिएटली? यार डिफॉल्ट तो होना ही नहीं चाहिए ना यार, हम तो जो जिस तरीके से इकॉनमी छोड़ के गए थे उसमें तो डिफॉल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अगर आप इन्होंने जो नालायकियाँ की हैं उससे आपका जो है रिजर्व्स गिरे हैं कि जो 16 बिलियन था उसके बाद जब एंड पे भी हम छोड़ के गए तो 11.4 बिलियन पे छोड़ के गए थे, उसके बीच में ये 2.3 बिलियन और ऐड कर दें तो ये तकरीबन 13.7 या 14 बिलियन के रिजर्व थे, वो अब आ गए हैं 9.2 के 9.5 पे। तो ये इतने तो गिरे हैं ना, 4-5 बिलियन से तो रिज़र्व गिर गए। और ये जो है इस सारी चीज़ को ये संभाल ही नहीं सक रहे। तो जो फिच है और उसने मूडीज़ ने भी यही कहा है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो ये सारा कुछ ड्राइव कर रही है, और ये पूरा उनको ख़तरा ये है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हैं उसके उसमें ये कहीं मतलब अपने जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी ना कर सकें। और उसमें जो डिफ़ॉल्ट वाली बात आई है वो इसलिए आई है कि हो सकता है इनको पैसे ना मिलें, लेकिन वो तो अब IMF ने कह दिया कि हम पैसे देंगे और बाकी इदारों ने भी कहा है हम पैसे देंगे। अब ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतना इम्पोर्टेंट मुल्क है कि कोई भी इसको डिफॉल्ट नहीं होने देगा। लेकिन वो आपको उस लेवल पे लेके आ गए हैं, उस दहाने पे लेके आ गए हैं कि वो आपसे कुछ काम करवाएंगे। अब वो हमारे से तो नहीं करवा सके, लेकिन आप वो अड्डे भी आपसे मांगेंगे, दो तीन काम जो दो तीन और ये कहेंगे दो दिन काम मैं, जो, मैं आपको वो बता दूं, क्या चीजें हैं वो अगर वो बता दूं मैं जी प्लीज अड्डे आपसे मांगेंगे, वो कहेंगे इसराइल को आप वो कर दें अपना रिकग्नाइज कर लें, और वो कहेंगे यार ये तुम्हारे साथ जो एक बहुत बड़ा मुल्क बैठा हुआ है जो आपके आपकी जबान बोलता है सारा कुछ बोलता है, उसके साथ ट्रेड शेड खोलें, उसके साथ अपना अपना तजारत ठीक करें, अपना इकोनॉमिक रिलेशन ठीक करें। मतलब यह है कि आप उसकी गोद में जाके बैठ जाएं। और इसी तरीके से उन्होंने करना यह है कि ये एक इतना बड़ा मुल्क हमारा जो है न्यूक्लियर पावर है, इसे मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, उसको हमारे दांत खट्टे कर देंगे वो। और वो राधर देन हम जो चीन के साथ हमारी इतनी दोस्ती थी उसके हम उसके साथ हमारा वो जिस तरह ऑल वेदर फ्रेंड था उसको इन्होंने बिल्कुल नाराज़ करवा दिया हमारे से। तो ये जो करवाना चाह रहे हैं वो हमारे से करवाएंगे।